आईडीए उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला के द्वारा मरीमाता स्थित गणेश मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गणेश यज्ञ का दीर्घायु के लिए आयोजन किया गया है। साथ ही आईडीए उपाध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से तरह तरह के पौधारोपण किए हैं। आईडीए उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ऐसे ही सेवा करते रहे, लाडली बहना योजना हमारी मातृशक्ति के लिए बनाई है, जिससे हमारी मातृशक्ति को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। 1,000 रुपये प्रति माह और 12वीं पास बालिकाओं को गाड़ी देने का प्रस्ताव हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। का जन्मदिन कल है और पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया सबको कि जन्मदिन पर उनके जन्मदिन पर कोई बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम न करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और जो जिसकी जिसकी क्षमता हो उसने वृक्ष लगाए, पौधे लगाए और उसी को लेकर आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक में माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय भरतमरे मोगे जी और हमारे बहुत ही युवा साथी मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में और हमारे सभी साथी पार्षदगण पदाधिकारीगण सबने मिलकर यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री मंशानुसार आज ये शुरुआत है और आज पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। कितने पौधे हैं? 1100 पौधे आज वितरित किए जा रहे हैं और ये सतत चलता रहेगा। कल भी विधानसभा एक में और पूरे बिंदौर में जगह जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। लाडली बहना योजना